फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक्सेल के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किसी भी प्रकार का इनवॉइस कैसे बना सकते हैं, यानी आपको अगर स्लिप बनाना हो तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ए से आई तक का डेटा रेंज सेलेक्ट कर रखा है। और उसके बाद होम टैब के मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं इस तरह से। तो ये पूरे कॉलम मर्ज हो जाएंगे। इसमें हम टाइप करेंगे कंपनी का नाम, आप कोई भी शॉप कंपनी या किसी का भी नाम टाइप कर देंगे और एंटर कर दीजिएगा। और दोबारा क्लिक करके इसकी फॉन्ट साइज, और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन लेके इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये दिखने लगेगा। तो इसके नीचे वाले कॉलम को भी हम इसी तरह से आई तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मर्ज करा देंगे हम। और इसमें हम क्या लिख देंगे, इसका एड्रेस, यानी शॉप का इसमें एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा। इसको भी बोल्ड कर देंगे हम, साइज बढ़ा देंगे थोड़ा सा। फिर हम तीसरे रो को भी ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सीरियल से सबको सेलेक्ट किया बट वन बाय वन, और मर्ज करा लेंगे। और यहाँ पे कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, वो आप फिलअप कर दीजिएगा इस तरह से। इसको भी आप साइज बढ़ा करके बोल्ड, ये फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा चाहते हैं। इसको भी हम ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे मैंने आई तक का ही डेटा रेंज लिया है, आप भी उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी और वेबसाइट नेम मैंने डाल दिया lcti.org.in। तो इस तरह से मेरा ये डेटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसका कलर बदलना होगा तो यहाँ से बदल दीजिएगा, फॉन्ट साइज बड़ा कर लिए, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ की फॉर्मेटिंग चाहिए होगा वहाँ वहाँ पे क्लिक करके कर भी सकते हैं, बट अभी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। फिर यहाँ पे A8 वाले कॉलम को भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे टाइप कर दिया इनवाइस। ध्यान रहे कि मैंने सेल एड्रेस दे रखा है, MS वर्ड में के पेज पे मैं बना दूंगा, एड्रेस आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, इसको मर्ज करा लीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे मर्ज कराया F तक मर्ज कराया, यानी A से F, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बिल। आप जैसा भी लिंक बनाना चाहेंगे बना लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पे H वाले कॉलम पे मैं आ गया हूँ, यहाँ डेट लिख दिया और इनवाइस नंबर लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इनवाइस नंबर आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, अब आप इसको सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे हम। फिर यहाँ पे 10वें यानी A10 पे आ जाएंगे हम, देखिए A10 A11 जो भी आपका रहेगा, इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 9 वाले कॉलम में हम आ जाएंगे, लिख देंगे नेम, A9 पे नेम, और 10 वाले कॉलम में एड्रेस, और यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर जो आप देना चाहेंगे आप हेडिंग दे दीजिएगा। फिर इसको मर्ज करा देंगे हम, यानी B से लेके मैंने इसको F तक मर्ज करा दिया। सबको मर्ज करा दीजिएगा इस तरह से, मोबाइल नंबर को भी मर्ज करा दीजिएगा। अब बिल की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे कस्टमर नेम को, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाइएगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम सेट कर लेंगे यहाँ से डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे हमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ देनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे, मैं सीरियल नंबर लिख दिया हूँ 13 वाले में, यानी A13 में मैंने लिख दिया SL नंबर।
और फिर मैंने यहाँ पे भी आप सेल मर्ज करा लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के लिए। फिर मैंने यहाँ पे एफ तक मर्ज कराया है और यहाँ पे टाइप कर दिया डिस्क्रिप्शन, यानी जिसमें हम प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं उसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। फिर इसके आगे आप ऐसे ही यहाँ पे क्वांटिटी टाइप कर दीजिएगा। फिर उसके अगले में यूनिट प्राइस यानी एमआरपी प्राइस मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अमाउंट। ठीक है, अमाउंट टाइप कर देंगे हम। अब यहाँ हम सबको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे और यहाँ से जाके मर्ज करा मतलब सेंटर अलाइज में सेट कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सबको हम सेंटर अलाइजमेंट में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो देख रहे होंगे इस तरह से मेरा डिज़ाइन बन के आ रहा है। अब एक एक का हम फॉन्ट स्टाइल बदलेंगे। तो मैंने कंपनी नेम सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया इस तरह से। ऐसे इनवाइस को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इसका भी कलर स्टाइल चेंज कर दीजिएगा। फॉन्ट मैंने वाइट कर दिया, तो देख रहे होंगे इसका फॉन्ट वाइट हो जाएगा। ठीक है, बिल को भी मैंने ऐसे ही कलर चेंज कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि हमें यहाँ पर कलर देना है वहाँ पे आप अपना सेलेक्ट करके स्टाइल चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे, तो मैं देखिएगा मैंने SAL से लेके 31 तक सेलेक्ट किया है। यहाँ बॉर्डर पे जाइएगा, आउटसाइड बॉर्डर लीजिएगा। ऐसे ही आपको आगे भी करना है, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना है पूरा। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें पहले और यहाँ पर देख रहे होंगे इसकी साइड को सेट कर लीजिएगा। ये मैं केवल अभी सेट कर रहा हूँ वर्ड की अपने अपने कॉलम में सेट रहे हैं। अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाइएगा, होम टाइप के बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर ले लीजिएगा। फिर आप डिस्क्रिप्शन ऐसे ही सेलेक्ट करिएगा, आउटसाइड बॉर्डर पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा। फिर क्वांटिटी सेलेक्ट करिएगा, फिर आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करिएगा। ये ध्यान रहे अलग अलग ही करिएगा, एक साथ करेंगे तो सब पे एक साथ लग जाएगा, तो अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कॉलम का बॉर्डर अप्लाई होगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने देखे होंगे कि ये बॉर्डर हमारा बन के यहाँ पर आ चुका है। अब देख रहे हैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, आउटसाइड बॉर्डर कर लीजिएगा, तो ये अलग से एक बन जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि बॉर्डर भी मेरा बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो भी नीचे हमें करना होगा, मेरा माउस थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसके नीचे हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, तो आप चले आइएगा यहाँ पे मर्ज करा लीजिएगा। मर्ज कराना होगा कराइएगा, नहीं कोई वो नहीं है, टोटल अमाउंट डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम टोटल लिख देते हैं, टोटल अमाउंट एंटर कर देंगे। यहाँ से साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम SGST। आप जितना देना चाहें, तो हमने 9% ब्रैकेट में दे दिया है, यहाँ 9% ब्रैकेट में आप दे दीजिएगा। CGST मैंने लिखा है, उसके नीचे SGST कर दीजिएगा। और यहाँ नीचे हम ग्रॉस टोटल लिख सकते हैं या ग्रॉस अमाउंट लिख दीजिएगा आप। ग्रांड टोटल, ग्रॉस अमाउंट, जो भी हो, ग्रांड टोटल हमने लिख दिया। इसको भी मर्ज करा दिया मैंने। अब इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको अनमर्ज कर लीजिएगा, दोबारा सेलेक्ट करके अनमर्ज पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये कॉलम ये सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जाके आल बॉर्डर कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे हम? आल बॉर्डर। तो देख रहे होंगे कि इस तरह से बॉर्डर हमारे सामने लग के आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करके यहाँ से सेट कर लीजिए और सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से डेटा मेरा बन के आ जाएगा। ठीक है,
तो फॉर्मेट दिख ही रहा। अब इसके नीचे सेलेक्ट करके आप ऑथराइज सिग्नेचर का ऐसे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, होम पे जाइएगा, मर्ज करा के इसके नीचे लिख दीजिएगा ऑथराइज सिग्नेचर। तो यहाँ टाइप कर देते हैं हम ऑथराइज सिग्नेचर। ऑथराइज सिग्नेचर टाइप कर दिया तो मेरा बिल आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से दिख रहा है सिंपल। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे हमें प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल एफ टू करिएगा प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह से आपका प्रीव्यू दिख रहा है। तो अभी अभी और भी काम है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। फॉन्ट साइज कितना बड़ा रखना, कितना छोटा रखना, ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भरना, मतलब प्रोडक्ट के नाम हमें भरने हैं। तो यहाँ पे देखे होंगे कि मैंने सबको मर्ज करा रखा है। तो आप भी, हमारा एक कंडीशन है कि अगर देख रहे होंगे मर्ज कराने के बाद मैंने आपको एक कंडीशन फॉलो करना है कि अगर यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखें या सेलेक्ट करें तो प्राइस ऑटोमेटिक आ जाए। तो हम इस डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से डेटा टाइप पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे क्लिक करके यहाँ देखिए मैंने एक लिस्ट बना रखी आइटम और रेट का, तो आइटम वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आइटम की लिस्ट आना चालू हो गया। इस तरह से कोई भी आइटम की लिस्ट चूज करना होगा तो आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। अब हमें इसका प्राइस भी लाना है, ठीक है। तो क्वांटिटी रेट आपको दिख ही रहा होगा, एक और दो मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि आप भी ऐसे एक और दो ऊपर लिख लीजिएगा। तो इसको रेंज को हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर वन और टू लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ छोटा सा फार्मूला लगाना आपको, लिखेंगे इक्वल इफ़ एरर। एरर इसलिए लगाते हैं कि गलती होने पर हमें रिस्पॉन्स देता रहे जो भी हो। उसके बाद टाइप करेंगे हम यहाँ पे वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करें, लुकअप वैल्यू मतलब आप जो प्राइस लाना चाहते हैं वो कहाँ से। तो हमें डिस्क्रिप्शन से लाना, तो किस पे क्लिक कर देंगे एक बार, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे यानी जो डिस्क्रिप्शन की लिस्ट है वो कहाँ है। तो हम इस पूरी लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरी लिस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आइटम रेट से लेके, और कॉमा लगाइएगा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है कि जो प्राइस है या रेट है, जो रेट आपका है वो किस कॉलम में है। तो देख रहे होंगे आइटम और रेट दो हैं, तो दूसरे कॉलम में रेट है, तो यहाँ दो लिख देंगे हम, कॉमा लगा देंगे और यहाँ जीरो टाइप करके ब्रैकेट बंद कर देंगे आप, और यहाँ नीचे कॉमा लगा के डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन करेंगे और डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट एंटर कर देंगे। ब्रैकेट बंद करके आप एंटर कर दीजिएगा, देख लीजिए फार्मूला एक बार, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं टाइप भी कर दिया हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हेडफोन अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक रेट चेंज हो रहा है, या कोई भी कीबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया तो 120 आ गया। यहाँ पे अगर मैंने कोई भी रैम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अभी आपको ड्रैग कर लेना है, जो फार्मूला आपने लगाया उसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर लीजिएगा इस तरह से। तो मैंने ड्रैग कर लिया, अब आप इधर कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आता रहेगा आपका, देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब अमाउंट निकालना है तो अमाउंट पे क्लिक करिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इक्वल यहाँ पर इक्वल लगा दिया फार्मूला, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी और प्राइस का गुणा करना है, तो लगाएंगे इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने क्वांटिटी नहीं दिया है, ठीक है। अब जीरो चाहते हैं ब्लैंक रहे, जीरो भी ना दिखाए, तो इसके लिए बस वही फार्मूला इक्वल इफ़ एरर, फिर वही आप क्वांटिटी पे क्लिक करिएगा मल्टीप्लाई और प्राइस पे क्लिक कर दीजिएगा। आप लिख भी सकते हैं G14 मल्टीप्लीकेशन H14, तो मैं लिख भी दूंगा। तो इस तरह से अभी देखिए मैं फार्मूला डिलीट करके मैं बता भी दे रहा हूँ कि किस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।
क्या, तो ये फिरर मैंने कर दिया, मिटा दिया पूरा। अब लिख रहे हैं इक्वल इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, अब इसका एड्रेस है H14, तो आप G14 गुड़े H14 है, G14 मल्टीप्लाई H14, ब्रैकेट बंद करिएगा और एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मिटा देते हैं तो देख रहे होंगे ब्लैंक हो जाएगा ये इस तरह से, और यहाँ सेलेक्ट करते ही उसका रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर लीजिएगा इस तरह से, आंसर सबका आ जाएगा। इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, आप क्वांटिटी जो ही देंगे उसका आंसर यहाँ पर आना चालू होगा, लेकिन अभी नीचे भी फार्मूला लगाना होगा तो अपना लगा लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा देंगे आउटसाइड इस तरह से। यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो आप टोटल अमाउंट तो जानते ही होंगे, इक्वल सम का यूज करेंगे और पहले प्रोडक्ट से लेके लास्ट प्रोडक्ट तक हम ड्रैग कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे GST लगाना, तो वही इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 9%, यहाँ 9% टाइप कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। फिर वही इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 9%, एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे जोड़ लीजिएगा तीनों को, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट टोटल अमाउंट से लेके SGST तक सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख रहे होंगे बिल हमारा तैयार है। अब यहाँ क्वांटिटी केवल आपको भरना है, देखिए क्वांटिटी भरते जाइए आंसर आपको मिलता हुआ चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब सबको सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इधर जितना भी डिस्क्रिप्शन की लिस्ट रहेगी, आपको जितने भी आइटम्स बेचने होंगे आपको खाली सेलेक्ट करना रहेगा, रेट ऑटोमेटिक आता रहेगा जो भी रेट लिए होंगे। इसको सेलेक्ट करके इसका सेंटर हम मर्ज करा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी भर दीजिए, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको खाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। ये देखिए देख रहे होंगे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वांटिटी रेट ऑटोमेटिक आपका इस तरह से फिलअप हो जाएगा और टोटल अमाउंट यहाँ दिखाना चालू कर देगा। अब कंट्रोल F2 से हम प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए इस तरह से इसका प्रीव्यू बन के आपके सामने आ जाएगा। तो जहाँ भी आपको लगे मार्जिन कम छोटा है वहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा इस तरह से। यहाँ डिटेल भर दीजिएगा, डेट भर दीजिएगा, इनवाइस नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये तो कॉमन है, आप समझ ही गए होंगे इसे भरना। ठीक है, इस तरह से आप भर लीजिएगा, यहाँ पे नेम भर देंगे जो भी भरना होगा, एड्रेस भर देंगे हम, मोबाइल नंबर भर देंगे। ठीक है, कंट्रोल F2 प्रेस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।